शेर और ऊंट की कहानी। एक जंगल में एक शेर था, वह उस जंगल का राजा था। उसे सलाह देने वाले भाग लोमड़ी और कौवा। एक दिन उनको एक ऊंट दिखी जिसे दुनिया का कोई ज्ञान नहीं, सिर्फ अच्छाई का पता था। भाग लोमड़ी और कौवा उसके पास जाकर पूछे, कौन हो तुम? इस जंगल में क्यों आई हो? कौवे ने पूछा। ऊंट ने कहा, जी हाँ, मैं मेरे मालिक के कष्टों को ना झेल पाते हुए मैं बाजू के गांव से आज ही आई हूँ। मेरा कोई सहारा नहीं, मुझे बचाकर पुण्य कमाओ। अच्छा ठीक है, तुम डरो मत, तुम्हें हमारी झुंड में ले लेंगे। हमारे महाराज बहुत ही भले हैं, उन्हें बोलकर तुम्हें एक अच्छा सा काम भी दे देंगे। हमारे साथ आ जाओ। ऊंट को महाराज शेर के पास ले गए। वे हमारे जैसा ही आपकी सेवा करने के लिए हमारे जंगल में नया आया है। अच्छा सा बलवान और बुद्धिमान है, घमंड नहीं होने वाला, सीधा साधा स्वभाव का है। तब शेर ने ऊंट को भी उसके मंत्रियों में नियुक्त कर लिया। ऐसे आगे आगे ऊंट की अच्छाई शेर को पसंद आने लगा। वह उसे अपना दोस्त बनाकर अपने राज्य का प्रधानमंत्री बनाया। कल के आए हुए ऊंट को प्रधानमंत्री बने हुए देख भाग लोमड़ी और कौवा जलने लगे। अच्छा मौका देख के उसको हानि पहुंचाने की सोच रहे थे और उससे नफरत किया। फिर एक बार शेर बीमार पड़कर अपनी जगह से हिल तक नहीं पाया। जानवरों का शिकार करके लाकर शेर को आहार में देते थे। एक दिन उनके ऐसे इतना ढूंढने पर भी एक शिकार तक नहीं मिला। इसी बात का विचार शेर से किया और अपनी चाल से कौवे ने कहा, आपके काम ना आ पाने वाला, ये शरीर किस बात का? आपको इस भूख के हालात में मैं नहीं देख सकता, मुझे खाकर अपनी भूख मिटा लो। क्या तुम्हारे जैसे छोटे जानवर को मारूंगा तो मेरी भूख मिटेगी क्या? तुम्हारा मांस तो मेरे एक दांत के लिए भी काफी नहीं होगा। महाराज जी, आप मुझे का के अपनी भूख मिटाई है? शेर ने जवाब दिया, कुत्ते लोमड़ी जानवरों में सबसे नीच है। मरे हुए शवों को खाने वाली लोमड़ी इस महाराज का भोजन होगा। नहीं, तुम्हें खाने से अच्छा तो मैं मरना ही पसंद करूंगा। महाराज जी, आप मुझे कहिए, इतने वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर हूँ, अब आपको ऐसे भूखा देख नहीं सकता। तू तो बकरी और खरगोश जैसे पालतू जानवरों को भी खाए हुए पापी हो। मेरा तुम्हें छूना भी पाप है पाप। मैं तुम्हारा भोजन स्वीकार नहीं करूँगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर ऊंट ने महाराज शेर के पास जाकर कहा, महाराज शेर, मेरा शरीर बड़ा है, मेरा शरीर खाने पर आपकी भूख पूरी तरह से मिटेगी, इसीलिए बिना किसी संदेह के मुझे खाइए। तब शेर दोस्त को धोखा देने के लिए झिझकता हुआ सोच में पड़ गया। यह देख लोमड़ी ने कहा, महाराज जी, आप हम तीनों को खाने के लिए इनकार कर रहे हो ना, लेकिन इसकी प्रार्थना तो स्वीकार करो, आपकी भूख को बुझा लो। आपके जैसे महान जीवित रहेंगे तो हमारे जैसे हम जैसे साधारण लोग जिंदा रहे या मरे, एक ही बात है ना, करके बोली। कौवा और भाग ने भी उसके बातों का समर्थन किया। भूखा शेर उनके बातों में आ गया। अच्छा ठीक है, खरो जैसा तुम लोगों को ठीक लगे। बोलते हुए तुरंत ऊंट पर अपना पंजा मार कर उसे मार दिया। फिर शेर ऊंट का मांस खाकर अपनी भूख को बुझा लिया। अपनी चली चाल को साकार होने पर कौवा लोमड़ी और बाघ खुश हुए। इस कहानी की सीख है कि दुष्टों के साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए। एक बंदर और दो बिल्लियों की कहानी। एक बार दो बिल्ली रोटी के टुकड़े के लिए लड़ रहे थे। मेरा है, नहीं मेरा है, करके एक से बढ़के एक लड़ रहे थे। ऐसे लड़ने वाले बिल्लियों को एक बंदर ने देखा। इतने समय होने पर भी उनकी लड़ाई तो चली रही थी और इस समस्या का समाधान क्या होगा,
उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब कोई लाभ नहीं करके बंदर वहाँ जाकर उन दोनों को अलग किया और कहा, बस इतनी सी बात के लिए तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? तुम्हारी समस्या का बस एक ही हल है कि इस रोटी के टुकड़े को तुम दोनों आधा आधा बांट लो। अगर चाहो तो तुम दोनों को एक समान मैं बांट कर दूंगा। ऐसे बंदर के दिए हुए सलाह उन बिल्लियों को पसंद आया। बंदर की वजह से आधी समस्या का हल होने पर बिल्लियां उस रोटी के टुकड़े को बंदर को दिए। फिर बंदर ने उस रोटी के टुकड़े को दो हिस्सों में बटा, लेकिन बंदर ने कहा, अरे एक हिस्सा तो बड़ा लगता है, बोलकर उस टुकड़े को थोड़ा खा गया। अरे अब ये हिस्सा बड़ा हो गया करके बोलकर उस दूसरे टुकड़े में भी थोड़ा खा गया। अब ये बड़ा हो गया बोलते हुए पहले हिस्से को फिर से खाया। ऐसे थोड़ा थोड़ा करके पूरी रोटी के टुकड़े को खाकर एक ही बार छलांग मार के पेड़ पे चढ़ गया। हा, मेरी भूख तो मिट गई, अब तुम लोग चलो चलो यहाँ से निकलो, बोलते हुए चिढ़ाने लगा। तब दोनों बिल्लियाँ चौंक गए, अपने मुंह खुला का खुला छोड़ दिया और वे उदास होकर अपने रास्ते चले गए। इस कहानी की शिक्षा है कि दोनों की लड़ाई किसी तीसरे का फायदा होता है। शेर और चूहे की कहानी। एक जंगल में शेर था, वह उस जंगल का राजा था। इससे कुछ जानवर उससे डरते थे, शेर के आसपास भी नहीं भटकते थे, उसके आने की भनक से ही भागकर छुप जाते थे। एक दिन शेर पेड़ के नीचे सो रहा था। इस पे ध्यान ना देते हुए एक छोटा सा चूहा वहीं खेल रही थी। चूहे की आवाज से उठने वाला शेर उसे देखकर गरजा और उस पर हमला करके मारने वाला था। चूहे ने कहा, महाराज शेर आप मुझे ना मारे, अगर आप मुझे अभी छोड़ देंगे तो कभी ना कभी आपकी मदद जरूर करूंगी, मुझ पर विश्वास कीजिए। तुम हो तो बस एक छोटा सा चूहा और तुम मेरी मदद करोगी, अब मुझसे बचने के लिए ऐसे बोल रही हो ना? फिर भी तब तक कोई भी जानवर ने शेर से बात करने की साहस नहीं की। छोटी सी चूहे की साहस को देख शेर को उस पर दया आई और उसने छोड़ दिया। एक दिन कुछ शिकारियों ने जंगल के जानवरों का शिकार करने के लिए जाल बिछाया। इस पर ध्यान ना देने वाला शेर उस जाल में फंस गया। उस जाल से बाहर ना निकल पाने वाला शेर गरजने लगा। शेर की आवाज सुनने वाली चूहा थोड़ी समय बाद जल्द से जल्द शेर के फंसे हुए जगह पर पहुंची। महाराज जी आप चिंता ना करो, मैं आपको इस जाल से छुड़ा लूंगी, बोलकर तेजी से जाल को काटकर चूहे ने शेर को शिकारियों से बचा लिया। चूहे की मदद से जान से बचने वाले शेर के मन में पश्चाताप हुआ। छोटी प्राणी होने के कारण मैंने उस चूहे को नीचा दिखाया, लेकिन अगर मैं उस दिन इसको मार देता तो आज मैं उन शिकारियों के हाथ लग जाता, तब तो मेरी जान पे बनाती। तब से शेर उस चूहे से दोस्ती करने लगा। इस कहानी की सीख है कि हमारे द्वारा किए गए मदद किसी न किसी रूप में हमें वापस मिलेंगे।